हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में कि अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 60 रुपया है और उसको लॉस हुआ है 10 रुपये का, यानी कि 60 रुपया में बेचने पर 10 रुपये का अगर लॉस हुआ है तो उसका कास्ट प्राइस क्या होगा। भाई सोचिए, 10 रुपये, 60 रुपया में बेचा, 10 रुपया घाटा लग गया तो उस वस्तु का CP कितना रहा होगा? 70 रुपया रहा होगा, है कि नहीं है? 70 रुपये का माल 60 में बेचेगा तो 10 घाटा लगेगा ही लगेगा, क्लियर ना? यानी कि जब आपको CP निकालना होगा और घाटा हुआ है तो सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देना है, ठीक है? तो जब सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? CP। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 40 रुपया है, यानी कि 40 रुपया में बेचने पर कह दिया कि उसे लाभ हुआ है 15 रुपये का, मेरे भाई 15 रुपये का लाभ हुआ है, तो सोचो 15 रुपये का लाभ हुआ है, इसका मतलब कि उसका CP कितना था? 25 रुपया था। 25 रुपये में ख़रीदा, 40 में बेचा, 15 कमाया, काम खत्म। यानी कि जब हम सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ देंगे, ठीक है, घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? CP निकल जाएगा। यही बात मैंने आपको शुरुआत में बताई होगी, यानी कि CP निकालने के लिए SP में प्रॉफिट को घटाएंगे और SP में लॉस को जोड़ेंगे तो CP निकलेगा। यानी कि जब लॉस होगा तो जोड़ देंगे, प्रॉफिट होगा घटा देंगे, क्लियर? चल, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार से जो अगला सवाल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 16 बोला, एक दुकानदार को 144 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। ये लो, एक दुकानदार को 144 वस्तु बेचने पर, यानी कि सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस है। अच्छा, इसको आप चाहे XY करके बना सकते हैं। XY करके बताएं, कोई विशेष फायदा नहीं होगा। चलिए XY करके बता देते हैं लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं है, इतना सारा मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा अगर इसको आप XY बनाएंगे तो। फिर भी हम समझाएंगे इसे, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। कह रहा है कि एक दुकानदार को 144 वस्तु बेचने पर, मान लेते हैं, देखिए माना करना पड़ा ना, 16 माना, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, कोई तकलीफ हुआ नहीं? और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 रुपया, ठीक, मान लिया एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 100 रुपया है। कह रहा है कि 144 वस्तु बेचने पर, ठीक है ना, 144 वस्तु बेचने पर अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 100 रुपया है तो 144 वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे भाई? तो ये टोटल सेलिंग प्राइस उसका हो गया 144x। यहाँ तक किसी को तकलीफ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस अगर 100 रुपया है तो 144 वस्तु बेचा है, यानी कि 144 वस्तु का सेलिंग प्राइस 144x हो जाएगा, क्लियर? अब कह रहा है 144 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? हानि होता है। यानी कि उसका हानि कितना है? तो 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया, तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6x रुपया। तो 6 वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 6x और उसी के बराबर हानि हुआ है। कोई तकलीफ है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, सेलिंग प्राइस दिया है और लॉस दिया है, कह रहा है हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। तो उसका अगर हानि प्रतिशत बताना है, अभी हम आपको बताएं, हानि और लाभ का तुलना हमेशा किस पे होता है मेरे भाई? कास्ट प्राइस पे होता है। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? कास्ट फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस 144, लॉस इतना है और कास्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अभी बताए थे ना, कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो माइनस, लॉस होगा तो प्लस, तो प्लस कर दिया। यानी कि सेलिंग प्राइस के जगह पे हम 144x लिखेंगे और इसके जगह पे 6x, तो ये हो जाएगा 150x। यानी कि उस वस्तु का CP कितना था? 150 था। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। देख लीजिए कितना बड़ा हो रहा है मामला, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस का तुलना किससे होता है? CP से। लॉस है कितना? 6x। CP कितना है? 150x, अभी आपने निकाला। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100, ये कट जाएगा
25 चौके 100, यानी कि हानि कितने की हुई, तो 4% की हानि हुई। अब बताइए इतना बड़ा हमको बवाल करना पड़ेगा तब जाके आप बनाएंगे इसको डिटेल में यक्ष मान के। यानी कि यह काम कहाँ होता है, जो नीचे क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है ना रफ कार्य के लिए जगह, उसी को भरने में होता है। और उसको भरने से क्या होता है, तकलीफ बताए हैं ना, बहुत तकलीफ होता है कि नहीं, बाद में पता चलता है कितना तकलीफ हुआ। चलिए हमें डायरेक्ट सोचना है चीज़ों को, डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे बनाना है, तो दिया कि एक दुकानदार 144 वस्तु बेचता है और 6 वस्तु के बराबर घाटा लगा लिया। सोचिए 144 रुपये का माल बेचा, ये लो सेलिंग प्राइस 144, 144 वस्तु बेचता है, एक वस्तु मान लो 1 रुपये का है, तो 144 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। और कह रहा है कि 6 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा, यानी कि अगर एक वस्तु 1 रुपये का है तो 144 वस्तु बेचा 144 रुपये में बेचा, और 6 वस्तु के बराबर घाटा हुआ तो 6 वस्तु का मूल्य 6 रुपया होगा और 6 रुपये का घाटा हुआ। तो सीधे सीधे इसको ये सोचो कि 144 रुपये में बेचता है तो उसको 6 रुपये का घाटा होता है, 144 में बेचने पे 6 का घाटा, तो सीपी कितना रहा होगा, 150 रहा होगा, है कि नहीं। 144 रुपये में बेचा, 6 रुपये का घाटा, कॉस्ट प्राइस 150 रहा होगा। अब निकाल लो यहाँ से लॉस परसेंट, तो लॉस कितने का है, 6 का, कितने पर, 150 पर, प्रतिशत में बदलने के लिए 125 चौके 100, यानी कि उसको 4% क्या हो गया, घाटा। काम खत्म, इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, समझ गए। चलिए ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत सवाल, सेम ऐसे ही एक और खूबसूरत सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए इतना खूबसूरत सवाल है, ये मजा आ जा रहा है कि नहीं। 60 वस्तु बेचने पर दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। लो वही सेम बात, 60 क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 17 है। कह रहा है कि एक दुकानदार 60 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। 60 वस्तु बेचा, लो 60 बेचा, और हानि इसको कितने का हुआ, 30 वस्तु के बराबर हानि हुआ, यानी कि 60 में बेचा 30 रुपया घाटा लगा, खरीदा कितने में था, 90 रुपये में खरीदा था। कितना आप बार बताएं, कितना ईजी है ये। लॉस परसेंट निकालेंगे, 30 रुपये का घाटा कितने पर हुआ, 90 पर हुआ, 100 30 90, यानी कि 100/3% या 33 integer 1/3% या 33.33%, कुछ भी दिया रहे, ठीक है ना, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी क्या हो गया, घाटा हो गया उसको, ठीक है, लॉस हुआ है, क्लियर, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे फटाफट विद इन सेकंड उड़ा देना, 4-5 सेकंड बहुत होता है, इतना सोचना नहीं है। और ये कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब होगा, और प्रैक्टिस करेगा कौन, हम आप करेंगे, तो बैठ के यही आपको प्रैक्टिस करना है। हर टाइप के सवाल इसमें हम डाल दिए हैं। ऐसे ही अगला सवाल दिया है कि 18 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये इतना आसान सवाल, अभी तो ये हम आपको सवाल कराए हैं, इस तरह का सवाल हम करा चुके हैं, फिर से दोबारा आ गया है तो कोई बात नहीं, आगे आ गया है तो कुछ काम अपने आप भी आप लोग कर लिया करिए, है कि नहीं। चलिए हम तो बता देते हैं फिर कि 25 वस्तु बेचने से एक दुकानदार को 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, सॉरी 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये यही सेम है, फिर से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। 25 वस्तु बेचने से, देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 25, कह रहा है कि 25 वस्तु बेचने से, सेलिंग प्राइस 25 रुपये, 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि उसको लाभ कितने का होता है, 5 रुपये का लाभ होता है। ऐसे डायरेक्ट सोचिए कि 25 वस्तु बेचने से 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 25 में बेचा 5 कमाया, ये लो 25 में बेचा 5 कमाया, तो 25 में बेचा 5 कमाया कितने में लाया, तो 20 में लाया, है कि नहीं है। 25 में बेचा 5 कमाया, 20 में लाया, है कि नहीं, यानी कि कास्ट प्राइस 20 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट 5 का, कमाया 20 रुपये पे, प्रतिशत में 100, यानी कि 5/25% का गेन किया है कि नहीं, प्रॉफिट, लाभ हुआ उसको, वही सेम था। तो यहाँ तक किसी को तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं
थोड़ा सा लग रहा है अलग टाइप है, जो कि बेहद इजी है, बेहद इजी और बेहद खूबसूरत सवाल है, ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझिएगा कि ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा। क्वेश्चन नंबर 19 अति आसान है, अति आसान। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचा। तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी, तीन लोग हैं भाई। इन्हीं तीनों लोगों की खरीद बेच की कहानी है। कह रहा है कि ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा। ए बेचा 10% लाभ पर बी को, यानी कि ए अगर 100 रुपया में लाया था, मान लीजिए यह ए है, 100 रुपया में खरीदा है, ए का सीपी 100 रुपया है, मान लीजिए ए 100 रुपया में खरीदा है, कोई तकलीफ हुआ? बिल्कुल नहीं। और यह क्या किया, अपना 100 रुपये वाला माल जो है वो 10% के लाभ पर बी को बेच देता है, यानी कि बी को कितने में बेचा, 110 में बेच दिया, क्योंकि 10% लाभ पर बेचा है। तो ए 100 रुपये का माल बी को दिया 110 रुपये में, कोई तकलीफ लगा? तनिक नहीं, बहुत आसान है, चलिए तनिक भी तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। अब उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, ये बताइए ए जो है अपना माल 10% लाभ पर बी को बेचा, ए का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, और ए का विक्रय मूल्य कितना होगा, 110 रुपया होगा। ये बात आपको समझना होगा कि ए अगर 100 रुपया में लाया था तो 110 रुपया में बी को बेचा, तो ए का विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा और ए का क्रय मूल्य 100 रुपया होगा, क्लियर। बी का क्रय मूल्य कितना होगा, बी का क्रय मूल्य 110 रुपया होगा, समझिएगा। जो बी का क्रय मूल्य है वही ए का विक्रय मूल्य है, क्योंकि ए ने बेचा है 110 में और बी ने खरीदा है, तो बी के लिए क्रय मूल्य 110 रुपया होगा और ए के लिए विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा, राइट। अब कह रहा है, यहां तक समझ गए सब लोग ना, अब कह रहा है कि जो बी है वो क्या किया, बी उसको 10% लाभ पर सी को बेच दिया। अब लो ये 110 रुपये हम खुद खरीदा था, अब फिर इसको 110 रुपये का जो माल था फिर इसको 10% लाभ पर सी को बेच दिया, यानी कि सी को कितने में बेच दिया, 121 रुपये में बेच दिया, समझ गए। सी को कितना में बेच दिया, 121 रुपये में बेच दिया। अगर कन्फ्यूजन हो ना तो आप इसको थोड़ा साइड में लिख लेना। देखो बी कितने में खरीदा था, 110 में, फिर इसको बेच दिया 10% लाभ पर, तो 110 रुपये का 110% निकालेंगे तो 121 रुपया होगा, यानी कि सी को कितने में बेचा, या 121 रुपया में बेचा, समझ गए, 121 रुपया में बेचा, क्लियर। या आप यहाँ लाके, ये हम छोटे से इसीलिए हम लिख के निकाल दिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन तनिक नहीं होगा, ठीक है, 110 का 10%, क्लियर, 121 में, यानी कि सी का कास्ट प्राइस कितना हो गया, 121 रुपया में, क्योंकि सी 121 रुपया में खरीदा है, और बी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 121 रुपया, क्योंकि बी जो है इसको 121 रुपया में बेचा है, क्लियर। अब सवाल में बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा सब लोग। अब बोला है कि सी को 60 रुपया 50 पैसे में बेचा गया हो, 10% लाभ पर सी को 60 रुपया 50 पैसे में बेचा हो, तो ए का क्रय मूल्य क्या था। देखिए अब कह रहा है कि सी यह जो माल खरीदा है, यह सी का क्या है, क्रय मूल्य होगा ना, सी का क्रय मूल्य होगा, तो बी जो है जब सी को बेचा तो 60 रुपया 50 पैसे में बेचा, ठीक है ना, यानी कि सी का जो क्रय मूल्य है वह 121 यूनिट है। ये सब रेशियो में बन रहा है, ये सब मामला रेशियो में है, यूनिट है, समझ गए, ये सब यूनिट है, रेशियो में चल रहा है ना, हमने डायरेक्ट ले लिया रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पर 121 यूनिट में खरीदा है कौन, सी, जो 60 रुपया 50 पैसे के बराबर है, क्योंकि बोला कि सी को 60 रुपया 50 पैसे में बेचा और सी खरीदा
121 में ख़रीदा, 121 यूनिट में ख़रीदा, तो 121 यूनिट जो होगा वो 60 रुपया 50 पैसा के बराबर होगा। हम बार बार इसको एक ही बात रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आप परेशान मत होइएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। जब धैर्य बनाए रखेंगे ना, एक बार आप कंसेप्ट पकड़ लिए तो खट 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 कुछ भी आएगा उड़ा देंगे। तो यहाँ से 121 यूनिट जो है वो 60 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो कह रहा है कि ए का कास्ट बताओ, ए का सीपी कितना था 100, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा। तो यहाँ पे 60 रुपया 50 पैसा में 100 का गुणा करेंगे, 121 से भाग देंगे। अब देखिए, जब यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6050, नीचे 121, ये 5 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया 50 रुपया, यानी कि ए का सीपी कितना था, ए का सीपी, ठीक है, एसीपी नहीं है, ए का सीपी 50 रुपया था। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, काम समाप्त। समझ गए, बस यही पूछ रहा था यहाँ पे, ए का सीपी पूछा, ए का सीपी 100, 100 बराबर कितना, एक बार फिर समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि ए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा, ए 100 रुपये हम खरीद के 110 में बेच दिया, तो बी खरीद लिया 110 में, अब 110 में खरीदा, फिर ये 10% लाभ पर सी को दे दिया, तो 110 का फिर 110% निकालेंगे तो 121 रुपया, यानी कि सी को यह माल पड़ा है कितने में, 121 रुपये में। 121 रुपये हम खरीदा है, लेकिन बी कह रहा है नहीं, हम तो 60.5 रुपये हम बेचे, यानी 60 रुपये 50 पैसा हम बेचे हैं, तो 121 यूनिट में खरीदा जो 60 रुपया 50 पैसा के बराबर है। तो कह रहा है ए का क्रय मूल्य बताओ, ए का क्रय मूल्य हमने 100 माना है, तो 121 यूनिट बराबर 60.5 रुपया, तो 100 यूनिट बराबर 50 रुपया उत्तर हो गया, यानी कि इसका लागत आया था 50 रुपया। क्लियर, बिल्कुल इजी सा सवाल है, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। समझ गए, चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि एक वस्तु को 153 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। ये ऐसा सवाल तो हम बता चुके हैं, शायद हमें याद आ रहा है कि हम ऐसा सवाल बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक वस्तु को 153 रुपये में बेचने पर, देखिए सेलिंग प्राइस है 153 रुपया, एक वस्तु को प्रॉफिट होता है, सॉरी लॉस होता है 10% का, 10% की हानि होती है, तब कह रहा है कि बताइए उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि लाभ हो 20% का। ये लो 20% लाभ, हम कल ही ऐसा बताए थे, आपको याद होगा, तुम कल ऐसा सवाल बताए थे, समझिए। सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालना है दोबारा, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, कास्ट प्राइस निकालना। जब तक कास्ट प्राइस नहीं निकालेंगे तब तक कैसे पता चलेगा सेलिंग प्राइस का, तो ये कास्ट प्राइस निकालने। तो यहाँ से लॉस हुआ है 10% का, यानी कि अगर उस वस्तु का सीपी 100 रहा होगा तो निश्चित रूप से एएसपी 90 होगा, क्योंकि लॉस हुआ है 10% हुआ है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्या, यस सी पी निकाल लेते हैं, तो एसपी दिया है 153, एसपी की तुलना किससे होगा, एसपी से, जिससे तुलना होगा वो कहाँ होगा, नीचे होगा, निकालना क्या है सीपी, ये लो सीपी आ गया, यह पूरा क्या है सीपी है, कोई तकलीफ नहीं, सीपी तो निकाल लिया हमने, ठीक है ना। और जब सीपी निकल गया तो डायरेक्ट हम एसपी निकाल लेते हैं, और एसपी निकालने के लिए हमें कुछ लाभ चाहिए, और लाभ कितना चाहिए 20%, तो इसी सीपी पे 20% का लाभ चाहिए, यानी कि इसी टोटल का 120% कर देंगे, फिर यह सीपी अब क्या निकल जाएगा, फिर यह सीपी से एसपी आ जाएगा, अब फिर से यह एसपी बन गया, समझ गए, क्योंकि यहाँ पे हम इसका 120% निकाल रहे हैं। अब ये 100-100 कट गया, 0-0 कट गया, 9 से काट देंगे तो 17 हो जाएगा, 17-12 का गुणा कर देंगे तो 17×12, तो ये हो जाएगा आपका एस पी 12×7=84, और 12×12=8=20, यानी कि 204 रुपया उस वस्तु का सेलिंग प्राइस। कल बताए थे ऐसा सवाल, पिछली वीडियो में ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से अगला सवाल है, ये भी बहुत खूबसूरत सवाल है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। दिया है कि एक आदमी एक
1 रुपये में 32 संतरा बेचकर, वही सेम चीज़ है। देखिए यही सारी चीज़ सेम आ रहा है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा। क्वेश्चन पूछने का जो लहजा है बस वही बदल रहा है, वही चेंज होता जा रहा है, बाकी क्वेश्चन तो सब सेम ही है। इधर मैं बता देता हूँ, दिया है कि एक आदमी 1 रुपये में 32 संतरा बेचकर 40% हानि उठा रहा है। समझिए, 1 रुपये में 32 संतरा बेचकर 40% हानि उठा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 रुपया में 32 संतरा बेचकर, अब बताइए 1 रुपया में अगर 32 संतरा बेच रहा है तो 1 संतरे का मूल्य निकाल लीजिए। समझिएगा ध्यान से, 1 संतरे का मूल्य, 1 संतरे का मूल्य 1/32 होगा कि नहीं होगा? 1 रुपया में 32 संतरा, अगर हम ये कहें कि 20 रुपया में 5 कलम मिलेगी तो 1 कलम का मूल्य बताओ, तो हम कहेंगे 4 रुपया, यानी कि 20 रुपये में 5 कलम, तो जितना कलम है हम 20 रुपये में भाग देंगे, 1 कलम का मूल्य निकल जाएगा। बिल्कुल जीरो लेवल चीज़ें हैं, जीरो लेवल की, ठीक है। उसी तरह 1 रुपया में 32 संतरा, तो 1 संतरे का मूल्य 1/32, यहाँ पर किसी को तकलीफ नहीं होगा। तो यह 1 संतरे का क्या है, मूल्य है। 1 संतरे का कौन सा मूल्य है, कहाँ गया, बेचने पर, यानी कि 1 संतरे का यह विक्रय मूल्य है, ठीक है। 1 संतरे का सेलिंग प्राइस, 1 संतरे का सेलिंग प्राइस 1/32, क्योंकि 1 रुपया में 32 संतरा बेचा जाता है, तो 1 संतरे का सेलिंग प्राइस 1/32 रुपया। क्लियर। ऐसा करने से लॉस होता है, कितना लॉस होता है, 40% लॉस होता है, ठीक है, 40% हानि हो रहा है। तो कह रहा है कि 1 रुपया में कितना संतरा बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। अब देखिए, कह रहा है कि 1 रुपया में कितना संतरा बेचे कि उसको 20% लाभ हो, प्रॉफिट चाहिए 20%। जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही वाला है क्या? बिल्कुल यही वाला है, क्वेश्चन में कोई अंतर बिल्कुल नहीं है, यही सेम है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि 1 रुपया में 32 दिया है, तो भाई फिर हम 1 रुपया और ये 16 कहाँ से हम खरीदें, 32 ये सब कैसे होगा, है कि नहीं? ये कंफ्यूजन यही दे रहा होगा आपको, हालांकि कुछ है ही नहीं, जैसे ये है उसी तरह ये है। कर दीजिए फटाफट, 40% लॉस हुआ है। अगर CP 100 है तो आपका SP कितना होगा मेरे भाई, SP हो जाएगा 60 रुपया, क्योंकि 40 का घाटा हो गया ना, है कि नहीं? आइए कास्ट निकालें, तो 1 रुपया 32 पैसा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस की तुलना किससे होती है, सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस है 60, है नीचे रहेगा और ऊपर हो जाएगा 100, क्योंकि हमें कास्ट निकालना है और जो निकालना होता है ऊपर होता है। अब यह टोटल क्या निकल गया हमारा, CP निकल गया। अब इसको फिर बेचना है 20% के लाभ पे, तो सेलिंग पूछ रहा है, लो उड़ा दो इसको 20% लाभ पर। वही सेम हम प्रोसेस किए हैं, जो प्रोसेस यहाँ पे चलाए थे वही सेम। अब फिर ये CP क्या बन गया, अब ये फिर से SP बन गया, तो इसको भाग देंगे तो 60 × 120, 100 कट गया, 2 से 16, यानी कि 1/16। तो हम कहेंगे अतः यह ऊपर आप लिखे थे रुपया ना, कि 1 रुपया में कितना वस्तु, यहां पे रुपया ऊपर था और वस्तु क्या था, नीचे था, था ना, उसी तरह यहां भी, यानी कि 1 रुपये में कितना, 16 वस्तु, समझ गए? तो हम कहेंगे अतः 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अतः 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितना, 16 वस्तु बेचेगा, बेचेगा, ठीक है। तो वह दुकानदार कितना वस्तु बेचेगा, 1 रुपया में 16 वस्तु, ये सवाल का उत्तर है। क्लियर, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हमेशा अमाउंट जो होगा ऊपर रहेगा, आर्टिकल या क्वांटिटी जो होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है, क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगा, प्राइस हमेशा, अमाउंट हमेशा ऊपर रहेगा, क्लियर ना। चलिए इसी तरह से सेम एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, 21 जैसा, 21 दे रखा है कि सॉरी 22 वैसे ही है, इसमें भी कोई दम नहीं है, बिल्कुल ही आसान सा है कि एक दुकानदार 1 रुपया में 25 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और वह 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे कि उसे 25% का लाभ हो।
रुपये में 25 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है तो वह 1 रुपये में कितना वस्तु बेचे कि 25% का लाभ हो। ये तो बहुत आसान है, कह रहा है कि 1 रुपये में 25 वस्तु की दर से कुछ वस्तु खरीदता है। लो 1 रुपये में 25 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लो 1/25। भाई 1 रुपया में 25 वस्तु खरीदता है तो 1 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 1/25 रुपया होगा, 1 रुपया/25 वस्तु, 1 वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया। अब कह रहा है कि इसको लाभ चाहिए कितने का, 25% का लाभ चाहिए। लो 25% का लाभ चाहिए तो कितने में 1 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा, ये लो 25% लाभ चाहिए। अगर मान लेते हैं CP 100 है तो इसका SP कितना होगा, 125 होगा SP, हमें SP निकालना है। CP दिया है 1/25 रुपया, SP दिया है 1/25 रुपया और इसको बेचना है। देखिए यह CP है, CP दिया हुआ है, ठीक है, यह CP है 1/25, CP की तुलना CP से करेंगे, CP है कितना 100 और हमें निकालना क्या है SP, SP कितना है 125, यानी कि हमें SP निकालना है, ठीक है ना। 25 × 125 5×20 = 100, यानी कि 1/20 लो सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि 1 रुपये में कितना वस्तु बेचेगा, 20 वस्तु बेचेगा। बस यही सवाल का उत्तर हो गया, काम खत्म। तो वह 1 रुपये में 20 वस्तु बेचेगा, समझ गए, एकदम पूरा वही एकदम कॉन्सेप्ट जा रहा है, बिल्कुल कहीं थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। और आपको कहीं भी एक पैसे का कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप चैटिंग में ज़रूर बताइएगा, हम अगली वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी को थोड़ी तकलीफ हो तो बताए, ठीक है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मिल नहीं रहा है। अब आगे पता नहीं, ये दो कंडीशन में होता है कि कन्फ्यूजन ना हो, या तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा या तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग ये बात ज़रूर बता दिया करिए ताकि ये पता तो चले, है कि नहीं, दो ही कंडीशन में क्वेश्चन नहीं उठता है या कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, एक तो पूरा अच्छे से समझ में आ रहा हो या तो बिल्कुल नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप लोग बता दिया करिए। चलिए अब इसके बाद से दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ये भी बेहद आसान है। 23 नंबर क्वेश्चन, हम हर टाइप के लगभग दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन दिए हैं कि आपको कोई तकलीफ ना हो सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट टाइप है, बाईस हो गया क्वेश्चन नंबर 23। देखा कि एक फल विक्रेता ने 3 रुपये में 4 के भाव से नारंगी खरीद कर 4 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लो 3 रुपया में 4 के भाव से, जब कभी भी ऐसा, देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस हैं, बहुत बार पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, ठीक है, तो ये सब बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ये इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा पढ़िएगा। दिया कि एक फल विक्रेता ने 3 रुपया में 4 के भाव से नारंगी खरीद कर 4 रुपया में 3 के भाव से बेच दिया। जब ऐसा कभी भी सवाल आपसे अगर पूछ दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है, यहाँ पे लिखना है वस्तु और यहाँ पे लिख दीजिए मूल्य, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, वस्तु और वहाँ पे लिख दिया मूल्य, और जो जहाँ कह रहा है उसके नीचे आप लिख दीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार 3 रुपये के मूल्य दिया है, तो 3, 4 वस्तु, तो वस्तु के नीचे 4, इसको लिखने में उल्टा पुल्टा मत करिएगा, जैसे ही लिखने में उल्टा पुल्टा किए कन्फ्यूजन हुआ तो ख़त्म, सवाल गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 3 रुपये में 4 वस्तु, 3 रुपया कह रहा है तो 3 मूल्य के नीचे लिख दिया वस्तु, वस्तु के नीचे लिख दिया 4 वस्तु। खरीदता है तो इसके आगे लिखना है आपको CP, ठीक है ना, और कह रहा है कि खरीद कर 4 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, 4 रुपये में, फिर देखिए मूल्य के नीचे लिख दिया 4, 3 वस्तु के भाव से बेच दिया तो सेलिंग प्राइस, 3 वस्तु है तो वस्तु के नीचे, बेच दिया तो सेलिंग प्राइस, किसी को कोई तकलीफ हुआ क्या, बिल्कुल नहीं। तो कह रहा है कि इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा बताओ। चलिए देखिए, जब बस इतना ही दिया रहे, ठीक है, डाटा आपका इतना ही दिया रहे, यानी कि एक बार माल खरीद लिया और दूसरी बार में बेच दिया, अगर एक बार खरीद के दूसरी बार में माल बेच देता है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप शॉर्टकट प्रयोग करें,
नहीं, अगर कभी कभी दो बार खरीदेगा, कहेगा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपया में 4 के भाव से खरीदा, ऐसे ही कुछ और वस्तुओं को 10 रुपया में 8 वस्तु के भाव से खरीदा, और इन सभी खरीदे गए वस्तु को 3 रुपया में 5 वस्तु के दर से बेच देता है, तब बताओ यह 3 ही स्टेप में आपसे दिया रहेगा, 3 ही स्टेप में सॉल्व करवाएगा, तो तनिक सा तकलीफ होगा। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि 3 ही स्टेप में देगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो उड़ा देंगे, कुछ भी रहेगा उड़ा देंगे। तो हम शॉर्टकट बताने से पहले आपको डिटेल थोड़ा सा समझाते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार 3 रुपया में 4 वस्तु खरीदता है, और ऐसे ही कुछ और 3 रुपया में 4 वस्तु खरीदता है, और इन वस्तुओं को 4 रुपया में 3 के भाव से उड़ा देता है। शब्द यहां पे एक आया है कि कुछ वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं मतलब क्या, 1, 2, 3, 4, 5 आप जानते हैं कितना वस्तु? बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पता कितना वस्तु खरीदा है कि नहीं है, बस रेट दिया हुआ है कि हम इस भाव से देंगे, आपको ये कहीं नहीं कहा है कि इतना वस्तु खरीदना है, ठीक है ना, वो नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे ना, जितना भी वस्तु दिया रहेगा इस रो में, जितना भी वस्तु दिया रहेगा, जिस जिस संख्या में दिया रहेगा, हम सबका एलसीएम लेके और एक मान लेंगे एलसीएम की जो वैल्यू होगी वही मान लेंगे कि हमारा आर्टिकल है, वस्तु है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो हम मान लेते हैं कि 3, 4 का एलसीएम क्या 12, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वस्तु कितना रहा होगा, 12 रहा होगा। अगर 12 वस्तु खरीदा है तो बेचेगा भी 12 वस्तु। बात समझ में आ रहा ना, हम इन दोनों का एलसीएम लेके एक निश्चित वैल्यू मान लिया, वही हमारा वस्तु है, हम मान लेते हैं कि 12 वस्तु है। कोई तकलीफ लगा किसी को? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, वस्तु 4 था लेकिन हमने 12 मान लिया अपनी मर्जी से, कितना गुना बढ़ा दिया, यहाँ से 3 गुना बढ़ा दिया ना, तो इधर भी हम 3 गुना बढ़ा देंगे, तभी तो बराबर होगा मामला, है कि नहीं। अगर यहाँ हम 12 कर दें, यहाँ 9 कर दें, फिर भी 4-3 का रेशियो रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो रेशियो को बराबर करने के लिए अगर हम इसे 3 गुना बढ़ाए हैं तो यहाँ भी 3 गुना बढ़ा देंगे, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, यहाँ 3 था, 12 हो गया, इसको हमने 4 गुना बढ़ा दिया, तो यहाँ भी हम 4 गुना बढ़ा देंगे, समझ गए, कोई तकलीफ आया नहीं है ना। अब देखिए, वस्तु तो बराबर हो गया, 12 वस्तु हमने खरीदा, 12 वस्तु बेचना है, 12 वस्तु खरीदा कितने में, 9 रुपये में, और बेचा कितने में, 16 में। देखिए कितना आसान है ना, ये सिर्फ वस्तु बराबर कर रहे थे, ठीक है, ताकि खरीदने बेचने में दिक्कत ना हो। तो 12 वस्तु कितने में खरीदा आपने, 9 रुपया में, और 12 वस्तु बेच कितने में रहे हैं, 16 रुपया में। ये देखो, 9 रुपये का माल 16 रुपये में बेच रहे हैं, आप कुछ कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, 7 रुपया कमा रहे हैं, समझ गए, 9 रुपये का माल 16 में बेच के 7 रुपये कमा लिए। अब यहाँ से कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 7 रुपये आप कितने रुपये पे कमाए, 9 रुपये पे, क्योंकि आपका लागत कितना है, 9 रुपया है, तो 9 से भाग देंगे, क्योंकि 7 रुपये का लाभ कितने पे हो रहा है, 9 रुपये पे हो रहा है, तो 7/9 यानी कि प्रॉफिट बटम कास्ट प्राइस प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो ये हो जाएगा आपका 700/9% या भाग देंगे तो 9 × 7 = 63 और 6 0 हो जाएगा ना, हाँ 9 × 7 = 63 7 0 फिर हो जाएगा 9 × 7 = 63 और फिर कितना बचेगा आपका 6 7 7/9 तो 77/9% का क्या हो गया, लाभ हो गया, समझ गए, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा, तो इसमें किसी को समस्या नहीं होगी। तो ये तो कहानी था, खैर डिटेल में, अब हम आपको ये कहानी बताते हैं शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में कब शॉर्टकट लगेगा, कंडीशन भी बताए हैं, शॉर्टकट कब लगेगा, जब एक बार खरीद के और दूसरी बार में उड़ा देगा, जब यही दोनों बात दिया रहे तभी आप शॉर्टकट का प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए, तो आप ये था आपका मान लो फर्स्ट मेथड था, अब समझो सेकेंड मेथड, फिर वही काम है, आप लिखेंगे वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे मूल्य, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। जब एक ही कंडीशन हो कि कह रहा है कि 3 रुपये का, 3 रुपया में 4 वस्तु खरीदा तो CP, और 4 रुपया में 3 के भाव से बेचा तो SP, सेम वही है। जब पहली बार खरीद के और तुरंत दूसरी बार में बेच रहा हो तो आप तिरक गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 3 तिया कितना होगा 9, और 4 चौके कितना होगा 16,
कुछ करना ही नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए मूल्य 9 रुपया में कास्ट किया और 16 रुपया में बेच दिए, तो 9 रुपये का माल 16 रुपया में बेच दिया तो 7 रुपया कमाया, कितने पे? 9 रुपये पे, क्योंकि 9 रुपया कास्ट है और गुणे 100, तो ये हो जाएगा 700/9% का लाभ या 77.7/9% का लाभ। क्लियर? चलिए, तो ये था शॉर्टकट। ये कब काम करेगा? जब एक बार खरीद के दूसरी बार में बेच देगा, अन्यथा नहीं काम करेगा, ठीक है ना। अन्यथा आपको एलसीएम वाला लेना पड़ेगा रूल, ठीक है, एलसीएम वाला ही अपनाना पड़ेगा मेथड। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर रूल क्या कहता है। रूल नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 24 नंबर सवाल में ऐसे ही सेम दिया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 15 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। देखिए वस्तु और मूल्य, ये रहा आपका 24 नंबर, ठीक है, और कह रहा है कि 15 रुपये में 8 वस्तु खरीदा, तो सीपी कह रहा है 18 रुपये में 10 के भाव से बेच दिया, 18 रुपये में 10 के भाव से सेल कर दिया, तो एसपी। देखिए दो ही कंडीशन है ना, पहली बार में खरीदा और दूसरी में उड़ा दिया, तब आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना, कितना इजी है, 15 × 10 = 150, 18 × 8 = 144। ये देखो 150 रुपये में खरीदा और 144 रुपये में सेल कर दिया, 150 का माल 144 में बेचा, कितना रुपया फ़ायदा हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, नुकसान हो गया, तो कितने का नुकसान हुआ, 6 रुपये का लॉस हो गया। ओ माई गॉड, कितने का घाटा हुआ, 6 रुपये का, जो 6 रुपये का घाटा कितने रुपये पे हुआ, 150 पे हुआ, तो निकाल दो लॉस परसेंट, गुड़े 100, 25 × 6 = 150, 4% का घाटा हो गया। ये सवाल का उत्तर होगा, देख लिए कितना इजी है, बिल्कुल इजी सा है, बिल्कुल इजी सा, एकदम बच्चों वाला सवाल है। चलिए इसी के क्रम में एक और है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को, सेम वही है, देखिएगा तो इसे मिटा देते हैं हम, अब हम 25 नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है, वही सेम है 25 नंबर, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेके बनाना पड़ेगा। तो 25 ध्यान से समझना इसे, ठीक है ना, तीन तीन कंडीशन दिया है, दो बार खरीदेगा तीसरी बार में बेचेगा। कह रहा है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 3 के भाव से, लो 10 रुपये में 3 वस्तु के भाव से कास्ट कर लिया, ठीक है, और उसका 2 गुनी वस्तुएं 13 रुपये में 4 वस्तु के भाव से खरीद लिया, फिर से सीपी, देखिए इस बार 2 बार सीपी आ रहा है, ठीक है ना, इससे 2 गुनी वस्तुएं, तो हम 2 गुनी तो यहाँ 3 × 6 तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, अभी तो एक निश्चित वस्तु मानना पड़ेगा, एलसीएम वही मानेंगे, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा एकदम। कह रहा है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 10 रुपये में 3 के भाव से खरीदा, कुछ और वस्तुओं उससे 2 गुनी वस्तुओं को 13 रुपये में 4 वस्तु के भाव से खरीद लिया, और अब इन सभी वस्तुओं को 59 रुपये में 1 दर्जन यानी कि 12 वस्तु बेच दिया, 59 रुपये में 12 वस्तु के भाव से बेच दिया। देखिए 59 रुपये दर्जन बोला है, तो 59 रुपये में 1 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 वस्तु, समझ गए ना, बेच दिया। तो जब हम बताएं ना, जब तीन तीन कंडीशन, तो कह रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताने के लिए हम क्या करेंगे, कितना था, 25 नंबर था ना, हाँ, क्या करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 12, एलसीएम क्या होगा, वस्तु कांस्टेंट करने के लिए एलसीएम लेंगे, 3, 4, 12, एलसीएम 12, लो एलसीएम हो गया 12, यानी कि हमने मान लिया कि वस्तु कितना खरीदा था, 12 वस्तु, वस्तु कांस्टेंट कर लिया हमने, कितना वस्तु खरीदा, 12 वस्तु, तो पहली बार तो 12 वस्तु खरीदा, लेकिन दूसरी बार में पता उसका 2 गुना खरीदा है, अगर यहाँ पे 12 खरीदा है तो यहाँ पे कितना खरीदा होगा, 24 वस्तु खरीदा होगा, क्योंकि बोला है कि इसका 2 गुना दूसरी बार में खरीद रहा है, अगर यहाँ पे 12 वस्तु मान लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब सोचिए पहली बार में 12 वस्तु खरीदा, दूसरी बार में 24 वस्तु खरीदा, तो बेचेगा टोटल कितना, तो 24 × 12 = 36 वस्तु बेचेगा, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है किसी को, 36 वस्तु बेचेगा। अब देखिए
इस वस्तु को हमने कितना गुना किया, 4 गुना, तो ये भी हो गया 4 गुना। ये कितना गुना हो गया, 6 गुना ना, तो ये भी कर देंगे 6 गुना, 12 × 36, 3 गुना हुआ, तो ये भी कर देंगे 3 गुना। कोई तकलीफ आया अभी तक? नहीं ना। अब देखिए 10 × 4 = 40, यानी कि पहला माल जो खरीदा 40 रुपये का था, दूसरा माल जो खरीदा 78 रुपये का था, सॉरी 78 रुपये का था, ठीक है ना। और इन सब को बेचा कितने में, तो 9 × 27 और 3 × 5 = 15, 2 = 17, और उसको बेचा कितने में, 177 में। अब बताइए दोनों वस्तु को मिला करके खरीदा कितने में, 116 रुपया में, और उन सब को उड़ाया कितने में, 177 रुपया में। देखिए पहला वस्तु और दूसरा वस्तु, यानी कि उसका ये टोटल कास्ट प्राइस है कितना, 116 रुपया। 116 रुपया में खरीदा है पूरा वस्तु, 116 रुपया में खरीदा है, और सबको बेचा कितने में है, 177 रुपया में। तो बताइए उसको फ़ायदा कितने का हुआ, 116 रुपये का माल 177 में बेचा, तो उसको लाभ कितने का हुआ, तो 177 में से 116 माइनस करो तो 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, कितने का फ़ायदा हुआ, 61 रुपया लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। 116 का माल 177 में जब बेचेगा तो उसको हो जाएगा 61 रुपये का लाभ, तो लाभ हुआ 61 का, कोई तकलीफ नहीं। अब 61 का लाभ हुआ है कितने पे, 116 पे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100, तो ये हो जाएगा 61/100। अब ये गुणा भाग करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा खासा होगा। एक काम करते हैं, यहीं पे 4 से काट लेते हैं, 4 से हो गया 25, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36, 25 × 1 = 25 कैरी हो जाएगा 2, 25 × 6 = 150, यानी कि 152, तो 1525/29% का लाभ होगा, यही सवाल का उत्तर होगा, क्लियर। चलिए इसको फ्रैक्शन में तोड़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में दिया होगा इंटीजर, एक बार गुणा करके आप बना लीजिएगा, ठीक है, कितना होगा एक बार गुणा करेंगे समझ में आ जाएगा। ये नहीं कि अब इसको बैठ के निकालना शुरू कर दिए, 1525 में 29 से भाग देना, कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन में देख लेंगे कि कौन से फ्रैक्शन से ये वाली वैल्यू निकल रही है, ठीक है, आंसर, या जिस जो होगा ना कुछ समथिंग करके, समथिंग बटे 29 होगा ना, तो ऐसे किसी एक ऑप्शन में अगर नीचे 29 होगा तो नीचे 29 आएगा ही, मार दीजिए आंसर हो गया, कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्लियर। अगर दो में दिया होगा तो जोड़ के चेक कर लेंगे एक बार, समझ गए। तो ये हम लोग 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिए, जिसमें किसी को अब कोई तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 25 के बाद करेंगे, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए ध्यान से, मेहनत करिए, ख्याल रखिए अपना, अपनों का भी ख्याल रखिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।